जैसा उम्मीद है अच्छा होंगे, तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा हो तो प्लीज़ इसको कभी भी ट्राई मत करना, ये 220 वोल्ट करंट के साथ एक्सपेरिमेंट है, तो इसको ट्राई करने से प्लीज़ आपका पास नॉलेज होना जरूरी है। तो 220 वोल्ट करंट से नमक के साथ मिसाएंगे और करंट उसमें डाल देकर इसको फायरिंग कैसे टेस्ट करते हैं, तो करंट की कितना पानी के साथ जो नमक मिलता है तो उसको कितना रोध है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद पता चल जाए किस तरह से वीडियो होने वाला। अभी इस पात्र में पानी देकर तैयार करके रेडी करता हूँ। तो इसको जो 220 वोल्ट करंट जब देता हूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो सिंपल सा जो करंट है पानी के साथ ज़्यादातर रिएक्शन नहीं होती है। तो इसको इस चीज़ को हम नमक मिलाकर देखते हैं किस तरह से रिएक्शन करते हैं कि नहीं। तो अभी नमक मिला देता हूँ स्लॉट, तो नमक मिला देता हूँ, तो उसके बाद देख लीजिए किस तरह से नमक को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद पता चल जाएगा करंट देकर जो कैसे काम करते हैं कि नहीं। तो ये पानी के साथ काम तो ज़्यादातर नहीं कर रहे, तो नमक के मिलाने के बाद काम किस तरह से होती है तो इसको देखने के बाद पता चल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। तो अभी 220 वोल्ट करंट दे देता हूँ, तो इस चीज़ को आप ट्राई मत करना, प्लीज़ वीडियो को देखकर मज़ा लीजिए। तो किस तरह से होते हैं देखिए, किस तरह से करंट देकर फायर कर रहे हैं, तो पानी के छूने से ही फायर हो रही है। तो 220 वोल्ट करंट दोनों तार में फिर न्यूट्रल आ रही है, तो जब भी पानी के साथ टच करते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तरह से हो रही है। तो वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। तो नया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो 220 वोल्ट करंट नमक से शॉर्ट सर्किट हो रही है ज़्यादातर, इसके नमक के साथ रोधक बहुत ही अच्छे से काम